आशा भोसले रेत बेगम, जिन्हें बाद में राज बेगम का नाम पड़ा। कश्मीरी मौसीकी की वो सुरीली आवाज 27 मार्च 1927 को मगरमल बाग श्रीनगर में गुलाम रसूल शेख के घर में पैदा हुई। बचपन से ही गाने की शौकीन राज बेगम ने शादी ब्याह के मौके पर अपनी आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाई। फिर आया 1954 का साल और इसी साल राज बेगम को उनकी सुरीली आवाज ने पहुंचाया रेडियो कश्मीर श्रीनगर। रंग छटी नामे नहीं देगा। रेडियो कश्मीर को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपनी आवाज से लोगों के दिल जीत लिए। राज बेगम ने 1986 तक रेडियो कश्मीर के साथ काम किया। उन्होंने रेडियो कश्मीर के अलावा कई रियासतों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। वो एशियन म्यूजिक फेस्टिवल और नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक पे भी शरीक हुई थी। एक बार श्रीनगर के एक होटल में दिलीप कुमार ने राज बेगम का गाना सुना और कहा, एज लॉन्ग एज कश्मीर हैज राज बेगम इट्स मेस्मराइजिंग वॉइसेस शल नेवर डाई। और इसीलिए आज भी उन्हें कश्मीर के नौजवान गुलूकार याद करते हैं। अगर वो उस वक्त स्टार्ट नहीं करती तो हम आज इस वक्त यहाँ स्टेज पे नहीं गा पाते। मैंने उनसे एक बार पूछा, जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी तो वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे, बेटा आपने बहुत अच्छा गाया। मैंने सर झुका के उनसे कहा कि जी नहीं, मैंने सीखा है आपकी आवाज़ सुन सुन के। कोशिश करते हैं कि आप जो जैसा गाती है, मतलब हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते। फिर उसने कहा मुझे पता है हमने पत्थर सहे हैं, हम आज पत्थराव देखते हैं, लेकिन जब हम निकलते थे घर से तब लोग हमें पत्थर मारते थे और इस वजह से हमें फिर बुरका पहन के निकलना पड़ता था। ये उसने मुझे खुद बोला है। अपनी गायकी के लिए उन्होंने कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं, जिनमें काबिले जिक्र 2002 में पद्मश्री जबकि 2013 में संगीत अकादमी अवार्ड हासिल किया। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों की तादाद में गाने गाए हैं। 7 दहाइयों तक अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली राज बेगम आखिरकार मुख्तसर अदालत के बाद 26 अक्टूबर 2016 को छानपुरा श्रीनगर में 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। खबर दो।